नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से HRI न्यूज पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर 8 अगस्त को हुए घटनाक्रम को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी गिरफ्तारी हो गई है, बीजेपी को झटका लगा है जोरदार। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें खबर में। दिल्ली के जंतर मंतर पर 8 अगस्त को भड़काऊ नारेबाजी मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस ने हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी को किया गिरफ्तार। दरअसल 8 अगस्त को जंतर मंतर पर भाजपा नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय ने एक कार्यक्रम बुलाया था। इस दौरान वहां पर इन्होंने अपने समर्थकों यानी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भड़काऊ नारेबाजी की थी। नारेबाजी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बीजेपी नेता और प्रवक्ता अश्वनी उपाध्याय को गिरफ्तार किया था, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें जमानत मिल गई थी कोर्ट से। लेकिन अब एक फिर एक्शन हुआ है और दिल्ली पुलिस ने हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी को किया है गिरफ्तार। वहीं दोस्तों, सूत्रों के अनुसार खबर निकल के आ रही है कि इस पूरे मामले को लेकर अभी और भी गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। बीजेपी के कई नेताओं का नाम इसमें शामिल होने की बात भी कही जा रही है। ये इस समय की बेहद बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को भी दोस्तों दबाइए, अपना समर्थन दर्ज करवाइए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत